so that we can stay peacefully and happily. Mental well-being doesn't mean being happy all the time, and also it doesn't mean that you won't experience negative and painful emotions. It means you can be able to handle your emotions so that you can stay peacefully, and you can be able to deal ups and downs of your life. But सवाल ये है कि how can we improve our mental health and how can we deal our emotions? Mental health को improve करने के लिए और अपने emotions को deal करने के लिए बहुत important है कि हम अपनी life के problems के बारे में जान लें कि किस किस reasons की वजह से हमारा mental health disturb होता है. क्योंकि अगर हम problems के बारे में जान लेंगे तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना. कहते हैं ना, किसी भी चीज में काबू पाने के लिए पहले उस चीज के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है. इसीलिए अपने प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है और डिफिकल्टीज क्या है, और दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना चाहिए कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारी लाइफ में बेसिक रिसोर्सेज दैट मीन्स सॉल्यूशंस क्या है. जब वही हमें लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या होता है, हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं, सैड फील करने लगते हैं, और फिर हम उस हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करने लगती है. लाइक यहाँ पे कुछ सिम्टम्स, मेंटल हेल्थ सिम्टम्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे. जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं तो बहुत जेन्युइन सी चीज है ये, आपको ये सारे सिम्टम्स उस इंसान पे या खुद पे देखने को मिल सकता है. जैसे कि लॉन्ग लास्टिंग ऑफ सैडनेस, बहुत समय तक सैडनेस फील करना, एक्सट्रीम चेंजेस इन मूड, मूड में चेंजेस होना, लाइक बिना वजह बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करना और बिना वजह सैडनेस फील करना, सोशल विड्रोल, अचानक से अकेले रहना और किसी से बात करने की इच्छा ना होना, ड्रामेटिक चेंजेस इन ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न, या तो ओवर ईटिंग करना या तो बिल्कुल भी भूख ना लगना, या फिर स्लीपिंग पैटर्न में चेंजेस होना, डिस्टर्बेंस इन स्लीप, या तो नींद बहुत ज़्यादा आना, एक्सेसिव वरी, बिना किसी वजह का टेंशन होना, और किसी भी चीज़ में काम करने की इच्छा ना होना, एट लास्ट एक्सेसिव एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, इरिटेशन होना. ये मैंने सारे सिम्टम्स मेंशन नहीं किए हैं, कुछ माइनर सिम्टम्स मेंशन किए हैं जो अगर आपको लगता है आपके में ये चीज़ें सिम्टम्स हो रही हैं या आपके आसपास किसी में हो रहा है, तो डेट मीन्स डेट पर्सन इज इन स्ट्रेस और मे बी इज इन डिप्रेशन. और एक यहाँ पे पॉइंट है, होपलेसनेस फील करना और सुसाइडल थॉट आना, वो भी कॉमन नहीं है. ये बेसिकली डिप्रेशन में होता है. अक्सर हम जब किसी से भी बातें करते हैं या किसी से भी आप दो मिनट बैठकर बातें कर लीजिए, जेन्युइन सी बात है, वो इंसान अपनी लाइफ का आपको 10 प्रॉब्लम काउंट करवा देगा लेकिन एक हैप्पीनेस मोमेंट डिस्कस नहीं करेगा. रीजन पता है क्यों? क्योंकि हर एक इंसान को लगता है कि मेरी लाइफ में डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है और हैप्पीनेस बहुत कम. और जेन्युइन सी बात है, जिस इंसान को लगता है डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है वो स्ट्रेस फील करेगा ही करेगा. मेरे सेशन में बहुत सारे लोग आते हैं और डिस्कस भी करते हैं कि मैम मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं प्रॉब्लम में घिर चुका हूँ. क्योंकि उस इंसान ने मेंटल तौर पे अपने आप को समझा लिया है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, अब मैं इससे निकल नहीं सकता, ना ही मेरी कोई हेल्प कर सकता है. अजेन्युइन सी बात है कि ऐसे इंसान की हेल्प करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसने अपने आप को प्रॉब्लम में मान लिया है. इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड चेंज आवर थिंकिंग. बट सवाल ये है कि हम अपने थिंकिंग को चेंज कैसे करें. जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम क्या कहते हैं, आई एम इन अ प्रॉब्लम. बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे दिन में या देखिएगा, हम ये चीज़ें बोलते रहते हैं, मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही चल रही है, मैं प्रॉब्लम में हूँ.
और जब आप ये स्टेटमेंट खुद को बोलते हो ना, डेट मीन्स आप खुद को एग्री कर रहे हो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और जब आप एग्री करते हो ना, तो आप खुद को उस चीज़ में सिचुएशंस में फंसे हुए फील करते हो। और जाहिर सी बात है, आप फंसे हुए फील करोगे तो आपको सैडनेस फील होगा, स्ट्रेस फील होगा। रेदर देन सेइंग आई एम इन अ प्रॉब्लम, वी शुड से आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम और चैलेंज। आप मैं बताती हूँ ये इंपॉर्टेंट क्यों है। चैलेंज खुद में एक डायनेमिक वर्ड है, यानी कि आप इससे एनर्जेटिक फील करोगे। मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि जब हम कहते हैं आई एम फेसिंग अ प्रॉब्लम चैलेंज, दैट मीन्स प्रॉब्लम और चैलेंज कुछ समय के लिए है। यानी कि आपको पता है कि मेरी लाइफ में कुछ समय के लिए प्रॉब्लम चल रहा है, मैं ठीक कर दूंगा और इससे निकल जाऊंगा। लेकिन जब आप कहते हो कि आई एम इन अ प्रॉब्लम, यानी कि आप अपने आप को बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, फिर आप लॉन्ग लास्टिंग ऑफ सैडनेस सारे सिम्टम्स आपके साथ फील होंगे। इसलिए हमें कहना चाहिए मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, सर्टेन पीरियड तक जो भी सोल्यूशन होगा ठीक कर कर इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल जाऊंगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद को क्या बोल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और हमें सोच समझ कर बोलनी चाहिए। इसीलिए हमारा सेल्फ टॉक पॉजिटिव होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए एंड सॉल्यूशंस बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि हम जब खुद से बात करते हैं तो कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, डेफिनेटली हमारा दिल और दिमाग जरूरी सुन रहा है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हम खुद से पॉजिटिव ही बात करें। क्योंकि हम जब किसी और से बात करते हैं तो हम किस तरह से बात करते हैं, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान हर्ट ना हो जाए, कहीं उसको दुख ना लग जाए हमारी बातों का। इसलिए हम शब्दों का चुनाव कर बातें करते हैं। तो जब हम खुद से बातें करते हैं तो क्यों खुद को इतने सारे नेगेटिव स्टेटमेंट हम बोलते रहते हैं? हमें अनकॉन्शियसली पता नहीं चलता, पर पूरे दिन हम बहुत सारे नेगेटिव स्टेटमेंट खुद को बोलते हैं। लाइक आई एम इन अ प्रॉब्लम, मेरी लाइफ सही नहीं चल रही है, मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है, आई एम होपलेस, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं। तो हम खुद को क्यों नेगेटिव बातें बोल रहे हैं? कहीं ना कहीं हम खुद को भी मेंटल तौर पे डिस्टर्ब कर रहे हैं और डाउन कर रहे हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा सेल्फ टॉक पॉजिटिव होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही कि आपका सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन यस एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी हम कोई फोटोज देखते हैं या पिक्चर्स देखते हैं, क्या करते हैं हम उसे जूम कर देखते हैं। क्यों? ताकि वो फोटोज काफ़ी क्लियर तौर पे दिख जाए, और बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, ब्लर हो जाती है। जो चीज़ हम फोकस करना चाहते हैं वो क्लियर हो जाती है। लाइफ भी इसी तरह है। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी, और क्या होगा, सारा हैप्पीनेस मोमेंट ब्लर हो जाएगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ का हैप्पीनेस मोमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम पे ही प्रॉब्लम सोचोगे तो आपको जाहिर सी बात है आपको हैप्पीनेस कभी फील नहीं होगा, आपको लगेगा आप सिर्फ प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। आपको खुश करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। एंड यस, अगर आपकी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंड करती है, डेट मीन्स वो टेम्प्रोरी हैप्पीनेस है, क्योंकि परमानेंट हैप्पीनेस तो आप ही खुद को दे सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट एंड प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पहले खुद की हैप्पीनेस के बारे में सोचो, तभी आप अपना काम हो या फैमिली लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो ठीक से आप चला सकते हो। क्योंकि सेल्फ हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना, इफ़ यू कांट कीप योर सेल्फ हैप्पी दैट मीन्स यू आर बर्डन टू समवन एल्स। अगर आप खुद खुश नहीं हो तो आप किसी और पे एक बोझ की तरह हो। तो इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले हम खुद को खुश रखें, तभी हम अपना सारा काम ठीक से कर सकते हैं, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ पे या अपने वर्कप्लेस पे ध्यान से हम चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं या बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, तो अक्सर हम क्या कहते हैं कि हम किसी और की वजह से परेशान हैं। हाँ, या तो अपने वर्कप्लेस में या आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से। आप किसी से पूछना, कोई कहेगा फैमिली की वजह से परेशान है, कोई कहेगा बीवी बच्चों की वजह से परेशान है, कोई अपने सीनियर्स की वजह से, कोई जूनियर्स की वजह से, हर कोई किसी ना किसी की वजह से परेशान है। लेकिन फैक्ट ये है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर डाल रखी है। यानी कि हमारे जो लाइफ में सैडनेस चल रहा है और जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका जिम्मेदार कोई नहीं, हम सिर्फ सिर्फ हम हैं। क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स हमें सिर्फ ट्रिगर करते हैं, स्ट्रेस हम खुद ही खुद को देते हैं। एक बात बताइए, जब कोई बीमार होता है तो हम क्या करते हैं, उस बीमार की हेल्प करते हैं।
ताकि वो बीमार से बाहर निकल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बीमार पड़ जाते हैं। तो अभी आपको डिसाइड करना है आपको बीमार के साथ बीमार होना है या खुद ठीक रहकर उस बीमार को ठीक करना है। जैसे कि अगर आपके साथ कोई गुस्सा से बिहेव कर रहा है या कोई आपको हर्ट कर रहा है तो हमें उसके साथ गुस्सा नहीं होना है, उसके खुद को सैड फील नहीं करवाना है। हमें अपने आप को बोलना है कि अरे कोई बात नहीं, ये तो बीमार है इसलिए ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। जब आप ऐसा बोलते हो ना तो आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होता है, आपको गुस्सा उसके साथ नहीं आएगा। आप कोई आपको डांटता है और आपको बहुत गुस्सा आता है, अगर ये प्रैक्टिस उस समय आप अपने पर्सनल लाइफ में स्टार्ट कर दोगे ना, देखिएगा आपको कभी जिंदगी में गुस्सा नहीं आएगा। आपको लगेगा कि सब सही चल रहा है, चलो ये तो इंसान बीमार है इसलिए मुझे ऐसा बोल रहा है, या कोई आपको हर्ट करता है वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इससे आप अपने मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने से रोक रहे हो। ये जेन्युइन सा प्रैक्टिस है, इससे आप बहुत ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या बोलते हैं कि ही हर्ट्स मी, ही इंसल्टेड मी, सी हर्ट्स मी, ये स्टेटमेंट हम बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कोई और हमें हर्ट कर रहा है। लेकिन द फैक्ट इज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो, हमारे साथ सब अच्छे से बिहेव करे, हमारे आसपास का सिचुएशन अच्छा हो, वर्क प्लेस में सब ठीक हो, और कहीं कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है यानी हमारे सोच से बाहर होती है तो क्या होता है, हम टेंशन लेने लगते हैं, स्ट्रेस फील होने लगता है। तो हमें हर्ट कौन करता है? हम खुद खुद को हर्ट करते हैं। क्योंकि जब हमारे साथ कोई नेगेटिव इवेंट होता है तो वी कीप थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट दैट इवेंट, करेक्ट है ना? जब भी प्रॉब्लम होता है क्या होता है, हम जिससे भी मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर हो, एक कोई सिचुएशन हमारे साथ हो गई हम उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। प्रॉब्लम्स को ठीक करने की बजाय हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। दिस इज हाउ वी अब्यूज आवर माइंड। इसीलिए हमें हर्ट कौन कर रहा है? हम खुद ही खुद को हर्ट कर रहे हैं, ये बात हमें समझना होगा। क्योंकि हमारे गम का और दुख का जिंदा कोई भी नहीं है, हम खुद हैं। क्योंकि हम एक इंसिडेंस को बार 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 रिपीट करके सोचते हैं और अपने बॉडी को माइंड को तकलीफ देते हैं। इसलिए हमारे गम का दुख का जिम्मेदार कोई नहीं, हम खुद हैं। इसीलिए किसी और को चेंज नहीं करना है, हमें खुद को चेंज करना है। और आपके बदलने से किसी की दुनिया तो नहीं बदलेगी, लेकिन यस एक चीज़ मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि आपकी दुनिया तो डेफिनेटली बदलने वाली है, कि अगर ये प्रैक्टिस आप अपने साथ स्टार्ट कर दो तो। हमारे साथ पूरे दिन 100 चीज़ें होती हैं, 100 चीज़ों में से 99 अच्छी चीज़ें होती हैं, हम उसे याद नहीं रखते। लेकिन हाँ, एक चीज़ कोई नेगेटिव हो जाती है उसे पूरे दिन रिकॉल करते रहते हैं, चाहे खाते वक्त हो, सोते वक्त हो, काम करते हो, हम सोचते रहते हैं उस इवेंट के बारे में। वो गलत है, अगर हो गया इट्स ओके, 99 अच्छी चीज़ें तो हुई है ना, हमें उसे भी याद करना चाहिए। लेकिन हमें आदत होती है नेगेटिव चीज़ों को बार बार रिकॉल करना। 100 थिंग्स विल गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ एंड इन 100 थिंग्स 99 आर योर क्रिएशन। इफ दे आर गुड जस्ट एंजॉय इट, इफ दे आर बैड इट्स योर क्रिएशन, लर्न फ्रॉम इट। एंड 1 पॉइंट इज लाइक नेचर क्रिएशन, वी कैन डू एनीथिंग। तो स्ट्रेस लेके खुद को तकलीफ देके कोई फायदा नहीं है। फैक्ट है, एक्सेप्ट द थिंग दैट यू कांट चेंज। जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट कर लेना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक हम क्या चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो हम चेंज नहीं कर सकते? लाइक वी कांट चेंज आवर पास्ट, हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। और सबसे ज़्यादा हम अपने पास्ट को लेके तकलीफ में रहते हैं कि ही हर्ट्स मी, मेरे साथ ऐसा पास्ट में क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आई डोंट डिजर्व इट। हम कम कहते रहते हैं हर दिन, अपने पास्ट की वजह से सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। सेकेंड चेंजेस, हम लोगों की वजह से भी परेशान रहते हैं कि किसी ने मेरे साथ गलत बिहेव किया, या मेरे साथ आज गलत हो गया, या फिर मुझे आज वर्क प्लेस में डांट दिया गया, या काम ज़्यादा दे दिया गया। हम लोगों की वजह से और सिचुएशंस की वजह से हट रहते हैं। बट द फैक्ट इज वी कांट चेंज आवर पास्ट एंड वी कांट चेंज पीपल एंड ऑल्सो वी कांट चेंज आवर सिचुएशंस, बट यस द फैक्ट इज वी कैन चेंज आवर सेल्फ। इसीलिए दूसरों की बदलने की बजाय हमें खुद पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हम खुद को बदलें। क्योंकि लोगों को बदलने में आप लगे रहोगे, लोग तो कभी नहीं बदलेंगे। क्योंकि मुझे एक बात बताइए, खुद से आप सवाल पूछिए, हमें कोई बदल सकता है? आपका जो हैबिट है, सिचुएशन है, आपका जो बिहेवियर है, कोई आपको चेंज कर सकता है? डेफिनेटली कोई आपको चेंज नहीं कर सकता। तो हम कैसे किसी और को चेंज कर सकते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी और को चेंज करते हैं? इसीलिए हमें
खुद को चेंज करना चाहिए, खुद की सोच को चेंज करना चाहिए ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि कहते हैं ना, पत्थर पे सर मारोगे तो पत्थर का तो कुछ नहीं होगा, हमारा सर जरूर टूट जाएगा। तो इसीलिए पत्थर पर सर मारना बंद कीजिए। सिंपल सा मंत्र है कि अपनी लाइफ में हैप्पी रहिए, खुश रहिए, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आवर लाइफ इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल इवेंट्स एंड यस डेफिनेटली सम चैलेंजिंग इवेंट। पर प्रॉब्लम क्या होता है, चैलेंजिंग इवेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और ब्यूटीफुल इवेंट्स को भूल जाते हैं। हमारा हेल्थ अच्छा है, फैमिली में सब ठीक है, वर्क कर रहे हैं, आज हम जहाँ हैं शायद बहुत लोगों को ये भी डिजर्व नहीं होगा। तो लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जो हम कहीं ना कहीं नहीं देख पाते हैं, तो खुली आंखों से हमें अच्छी चीज़ों को भी देखना चाहिए। एंड यस, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक टॉक टू प्रोफेशनल। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आपके सिचुएशंस के बाहर है, आपको लगता है आप खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लाइक लॉन्ग लास्टिंग ऑफ सैडनेस, एक दो दिन तक तो सैडनेस फील होना कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि हम 365 दिन खुश नहीं रह सकते हैं, कभी ना कभी सैडनेस फील होगी भी, और ये एक इमोशंस है, कभी आप खुश हो तो कभी आप दुखी भी होगे, और आप सैडनेस को रोक नहीं सकते। लेकिन यस, लॉन्ग लास्टिंग ऑफ सैडनेस लाइक मोर देन 2 वीक्स और 1 महीने 2 महीने से आप सेम कॉन्स्टेंट फीलिंग आप फील कर रहे हो, लाइक सैडनेस, खाने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, देन दैट टाइम यू शुड टॉक टू प्रोफेशनल, इट मे बी योर काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, एनी डॉक्टर। आपको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी चाहिए और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों का थिंकिंग है काउंसलर के पास जाने से प्रॉब्लम हटती नहीं, बढ़ जाती है, साइकेट्रिक पेशेंट बना दिया जाता है, इमेज भेज दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने आओगे, नॉर्मल सी टॉकिंग थेरेपी से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, आपको एमएच जाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक इंसान है जो आपको प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है बिना किसी नॉन जजमेंटल होके, 100% कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके। क्या होता है, हम अक्सर अपनी प्रॉब्लम हम जाके दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, जब हमें नहीं सोल्यूशन पता तो हमारे दोस्त हमें कैसे सोल्यूशन देंगे, वो भी तो आपके एज के ही हैं। जब आपको करेक्ट सोल्यूशन नहीं पता तो सामने वाला इंसान आपको कैसे दे सकता है। तो अगर कोई आपको प्रोफेशनल हेल्प दे रहा है, प्रोफेशनल गाइडेंस दे रहा है, तो आपको डेफिनेटली अपने प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि प्रॉब्लम को रखने से प्रॉब्लम तो घटेगी नहीं और बढ़ जाएगी। देर आर सर्टेन मेजर्स जो आप खुद से ले सकते हो, जिससे प्रॉब्लम्स तो नहीं कह सकते, लेकिन आपकी लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज होगी थोड़ा सा हैंडल कर सकते हो खुद से। जैसे कि डेफिनेटली ट्राई टू ईट बैलेंस डाइट, हमारा डाइट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आपका बॉडी हेल्दी नहीं होगा, तो माइंड कभी हेल्दी नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए। यस, डू एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, ट्राई टू डू एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन ईच एंड एवरी डे, डेफिनेटली आप करते ही होंगे। बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन भी कीजिए, इससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, लाइक एंगर, सैडनेस, जो भी इमोशंस होंगे। इमोशन तो रुकते नहीं हैं, वो तो आएंगे ही, लेकिन हाँ यस, आप उसे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, इसलिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक ही दिन में जाके आधे घंटे एक घंटे मेडिटेशन कर लो, वो नहीं होगा, क्योंकि जिसको हैबिट नहीं होती वो इंसान नहीं कर सकता। तो मैं कहूँगी 1 मिनट से 2 मिनट से प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। अगर आप आज 1 मिनट कर रहे हो, कल कोशिश कीजिए कि 2 करो, फिर 3, 5 इस तरह से कर बढ़ाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन करना, इससे माइंड बहुत रिलैक्स होता है। अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें लगता है ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करने से हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, बट द फैक्ट इज ये आपकी प्रॉब्लम को खत्म तो नहीं करेगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा, क्योंकि ड्रिंकिंग स्मोकिंग करने से हमारा नेगेटिव थॉट और ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है। तो इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए, ड्रिंकिंग स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपका फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। रीच आउट एंड स्टे कनेक्टेड, अगर आप प्रॉब्लम में हो जिससे आपको बात करके अच्छा फील हो रहा है, इट मे बी योर फैमिली मेम्बर, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, एनीवन, जिससे आपको बात करके अच्छा लग रहा है उससे बात कीजिए, अपने दिल की बात बताइए, क्योंकि अकेले रहने से, खुद को आइसोलेटेड करने से, सोशल कंट्रोल करने से सोल्यूशंस नहीं मिलेगा। ट्राई टू एम फॉर 8 आवर्स स्लीप, अगर 8 घंटे की नींद नहीं हो रही है तो कम से कम 6 घंटे की नींद कम्प्लीट, 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए हेल्दी बॉडी के लिए।
और हेल्दी माइंड के लिए नींद पूरी होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि नींद नहीं आएगी तो डेफिनेटली आप इरिटेट फील करोगे, स्ट्रेस फील करोगे, और स्ट्रेस होगा तो नींद नहीं आएगी, और ये साइकिल हर एक दिन चलते रहेगा। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा नींद भी पूरा हो। एंड एट लास्ट यस ऑफकोर्स डू व्हाट यू मेक फील हैप्पी, जो भी आपको करके अच्छा लगता है, लाइक किसी को ट्रैवलिंग करके, किसी को किसी से बात करके, किसी को बुक पढ़ के, किसी को म्यूजिक सुन के, जो भी करके आपको अच्छा फील होता है वो कीजिए, क्योंकि सेल्फ हैप्पीनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं उठ के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनल पॉइंट, अगर कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप सबके सामने पूछ सकते हैं, जो पर्सनल नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। सर आप वर्क प्लेस के रिलेटेड बोल रहे हैं, प्रेशर लाइक किस तरह से स्ट्रेस किस रिलेटेड होता है, थोड़ा सा मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ पूरा डिटेल में बताइए। सर चीजें इम्पोर्टेंट रहती है और तो वो हाँ ठीक है करेक्ट क्योंकि सर थैंक यू पूछने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए क्योंकि काम तो कंप्लीट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑफकोर्स हम जितने यहाँ पे काम करने के लिए हैं, कि हम स्ट्रेस लेंगे तो डेफिनेटली काम नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड शांत होना चाहिए, जो जैसे कि मैंने सारे पॉइंट्स बताए, हमारा माइंड शांत नहीं होगा और हम एंगर इरिटेशन में होंगे तो हम अपने काम को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमारा फोकस ये होना चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे हो आपका काम भी नहीं हो रहा है, आपका हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रहा है, आपका माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है। आपका होना चाहिए कि हम कितने शांत से और कितने ड्यूरेशन तक टाइम कर लें। हमारा टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक टाइम लिमिट हो, एक टाइम मैनेजमेंट हो हमारा, उस टाइम से हम अपने काम को ख़त्म करें। और इसके साथ ही आपका जो भी पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम है या वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, काम के समय हमें आई थिंक बीइंग अ आई नो सब प्रोफेशनल है यहाँ पे, मुझे यहाँ किसी को सिखाने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर हमें अपने पर्सनल प्रॉब्लम को साइड में रखकर और ये चीज़ खुद को समझाकर कि हम प्रेशर लेंगे तो हमारा हेल्थ खराब होने वाला है, तो इससे अच्छा हम ठंडे दिमाग से अपने काम को कम्प्लीट करें, क्योंकि काम को कम्प्लीट करना है, लेकिन आप प्रेशर लोगे तो उल्टा आपको हैम्पर होगा। इसीलिए खुद को, इसलिए मैंने मेडिटेशन एक सजेस्ट किया था जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, आपको पता है कि कहाँ प्रेशर लेना है कहाँ नहीं, तो एक ठंडे दिमाग से अपने काम को रीस्टार्ट करना है एक अच्छे स्माइल के साथ, और एक टाइम लिमिट बना लीजिए कि इस समय से इस समय तक काम को खत्म करना है। और किसी को कुछ पूछना है पूछे।